हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल शर्मा और आप देख रहे हो अतुल शर्मा टेक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आकाश के बारे में कि उन्होंने अपने चैनल को इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर लिया। क्योंकि फ्रेंड्स, जो उन्होंने अपना चैनल बनाया था वो बनाया था जनवरी के महीने में। जनवरी से लेकर फ्रेंड्स जुलाई तक उनके चैनल पर करीबन 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई थी ताकि उनके चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो पाया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो लोग नहीं जानते हैं कि एक आकाश कौन है, तो उनका एक डबिंग का चैनल है जिसपे करीबन 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनका एक डबिंग का चैनल पहले भी था जो उन्होंने बनाया था 2020 के तकरीबन जनवरी फरवरी में, पर फ्रेंड्स उस टाइम उनका चैनल नवंबर आते थे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया क्योंकि उनके चैनल पे आ चुकी थी 3 कॉपीराइट स्ट्राइक। तो फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने बनाया एक भोजपुरी चैनल जिसपे वो भोजपुरी में डबिंग करते थे, पर फ्रेंड्स उसका भी जो एडसेंस था उन्होंने उसके साथ लिंक कर लिया था अपने पुराने वाले चैनल के साथ, वो भी उनका चैनल डिलीट हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये उनका तीसरा चैनल है। लेकिन फ्रेंड्स, जितनी जल्दी से ये ग्रो किया है फ्रेंड्स, ऐसे उनका पहले चैनल ग्रो हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से तरीके अपनाते हैं जिसके चलते उनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको चैनल मिलती है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुल 5 तरीके बताऊंगा, 5 स्ट्रेटजी बताऊंगा जो उन्होंने अपनाई है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हर काम को करने के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, एक पूरा तरीका होता है जिस तरीके से आप किसी काम को एक अच्छे लेवल पर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई है, उसमें से आपको 5 तरीके बताऊंगा जो बेस्ट है। अगर उन तरीकों को अपने वीडियो से अप्लाई करते हैं तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपनी पहली स्ट्रेटजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रेटजी है हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो उन्होंने अपना पहला चैनल बनाया था एक के आकाश, जिस नाम से उनका ये चैनल भी है, तो फ्रेंड्स वो उन्होंने बनाया था ट्रेंडिंग टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल के लिए, उन्होंने चैनल बनाया फरवरी के महीने में, उस टाइम यहाँ पर भारत में लॉकडाउन लगने वाला था मार्च के महीने में, तो उन्होंने लॉकडाउन लगते ही उस पर बना दी कोरोना की डबिंग, कोरोना काल की डबिंग। तो फ्रेंड्स, कोरोना काल में ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था कोरोना, इसलिए उनकी वीडियो वायरल हो गई। फ्रेंड्स, उस डबिंग के दौरान उन्होंने ज्यादातर वीडियोस बनाई कोरोना पर, वो धीरे 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 उनका चैनल वायरल होता गया। तो फ्रेंड्स, उनका चैनल वो ग्रो कर गया। उसी तरीके से उन्होंने जो सेकंड चैनल बनाया था भोजपुरी वाला, उस पर उन्होंने बनाई थी होली वाली डबिंग, होली पर डबिंग वीडियोस, जिसके चलते होली ट्रेंड कर रही थी, उनकी वीडियोस धीरे धीरे वायरल हो गई। फ्रेंड्स, उनका थर्ड चैनल जो उन्होंने अब बनाया जिस पर उनकी वीडियोस देखते हैं फ्रेंड्स, वो उनकी चलती थी, जो वीडियो वायरल हुई थी वो हुई थी स्कूल के जो एग्जाम्स थे उसके चलते, उन्होंने वीडियो बनाई थी स्कूल एग्जाम पर 10th का रिजल्ट के चलते, तो फ्रेंड्स वीडियो को वायरल हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी वीडियो बनाते हो तो आप देखिए कि आपके आसपास में कौन सी वीडियोस ट्रेंडिंग कर रही हैं, आप ट्रेंडिंग वीडियो पे वीडियो बनाइए। फॉर एग्जांपल के लिए, आजकल एक गाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, ले लो पुदीना, आप उस पर वीडियोज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप गर्मी बना सकते हैं, बारिश हो रही है उस पर। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप टॉपिक ढूंढिए जो आप देखिए जो ट्रेंड कर रहे हैं उस पर आप वीडियोस बनाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, दूसरी बात, अगर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कौन सी वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं, तो आप देखिए कि आपकी कैटेगरी में कौन सी वीडियोस ज़्यादा बन रही हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, आप अपनी कैटेगरी में ढूंढिए कि आपकी कैटेगरी में लोग कौन कौन सी वीडियोस बना रहे हैं, आप उनकी वीडियोस से मिलती जुलती वीडियोस बनाने के लिए उनकी वीडियोस को देखें, उसको एनालिसिस करें, उससे मिलती जुलती वीडियोस बना दीजिए। फ्रेंड्स, मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ, पूरा यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी वीडियोस को भी बूस्ट मिलेगा, आपकी वीडियोस भी ग्रो करेंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो जिधर ट्रेंड कर रही हैं उन्हीं के ट्रेंड के साथ आपकी वीडियो भी सजेस्टेड में आएंगे और आपकी वीडियोस पर भी व्यूज आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में। दूसरी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक HD थंबनेल और एक बेस्ट थंबनेल। HD थंबनेल मतलब होता है कि आपके जो थंबनेल हो HD क्वालिटी का हो, पूरा चमकदार हो। दूसरी बात, उसको बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, जो एक आकाश का चैनल है, आप उनके थंबनेल जाके देखेंगे तो उस पर आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वो जब थंबनेल बनाते हैं तो उसमें 3-4 फोटोज़ को मिक्स करके वो ऐसा थंबनेल बना देते हैं कि जो देखने वाला वो क्लिक करने पर मजबूर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल आपकी वीडियोस पर क्लिक्स लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई, उस पर आपने एक थंबनेल सेट किया और यूट्यूब ने उस वीडियो को किसी के पास भेजा, तो अगर आपका थंबनेल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उस पर कोई ना कोई तो क्लिक कर देगा। तो यूट्यूब को लगता है कि आपने थंबनेल ऐसा बनाया है, कुछ ऐसा खास बनाया है वीडियो में, कि उसको क्लिक करने के लिए मजबूर होना। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखना ना देखना बात की बात है, अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होता है तो लोग आपकी वीडियोस पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट हाई होता है, उतना ज़्यादा वीडियोस आपके यूट्यूब प्रमोट करता है। तो फ्रेंड्स, एक HD थंबनेल, बेस्ट क्वालिटी थंबनेल बनाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, तीसरी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एडिटिंग स्किल्स। फ्रेंड्स, आप कोई भी कैटेगरी का चैनल चला रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप चला रहे हो टेक का चैनल, आप बना रहे हो रोस्ट का चैनल, आप बना रहे हो डबिंग का चैनल, कॉमेडी चैनल, कोई भी चैनल बना रहे हो, तो आपकी एडिटिंग स्किल्स मस्त होनी चाहिए। क्योंकि जब आप वीडियोस को बनाते हैं, उस पर एडिटिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है देखने वाले पर। फॉर एग्जांपल के लिए, आपने थंबनेल HD बना लिया, अब कोई आपकी वीडियो पर क्लिक करके आ चुका है, तो आपकी एडिटिंग अगर बढ़िया होगी, लोग उस पर देर तक टिकेंगे, आपकी वीडियोस में देखकर उनको एंजॉयमेंट आएगा। आपकी एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी टेक कैटेगरी, तो उस पर एंजॉय करेंगे। अगर आपका टेक कैटेगरी चैनल है तो आप उनको ऐसी ऐसी क्लिप्स दिखाइए, ऐसी ऐसी उनको वीडियोस दिखाइए, ऐसे उसमें अपना नाम लिख के आपका साइट से है, ऐसी एडिटिंग करिए कि जो देखने वाला व्यूअर है वो आपके चैनल पर रुके,
तो YouTube को लगता है कि आपने थंबनेल तो बेस्ट बनाया था, अब आपकी वीडियो पर लोग रुक भी रहे हैं, इसका मतलब आपकी वीडियोस में कुछ खास है। तो फ्रेंड्स जो एक एक आश हैं उनकी जो वीडियोस में एडिटिंग होती है वो जबरदस्त होती है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जब भी वो अपनी वीडियोस बनाते हैं तो उस पर जो फनी साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत तरीके से लगे होते हैं। ये नहीं कि कहीं भी जो आवाज़ आ रही पीछे से आ रही है, जब भी वो वीडियो चलती है उसमें से बिल्कुल साउंड इफेक्ट एक जगह आने के बाद तुरंत जहाँ वो बोल रहे वो आवाज़ आती है, उसके बाद फिर साउंड इफेक्ट्स आते हैं। इस तरीके से जो एडिटिंग करने का तरीका अपनाते हैं फ्रेंड्स वो बेस्ट है। अगर आपका भी डबिंग चल रहा है तो उनके चैनल को जाके आप देखिए, उसको एनालिसिस करिए कि वो किस तरीके से अपनी जो डबिंग है उसकी जो एडिटिंग है वो करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एडिटिंग स्किल्स आपकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। तो फ्रेंड्स एक थर्ड हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है एडिटिंग स्किल्स, आपको अपनी एडिटिंग स्किल्स सुधारनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स एडिटिंग जितनी आपकी बेस्ट करेंगे उतनी आपकी वीडियोज़ को बूस्ट मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे चौथे फैक्टर के बारे में, जिन्होंने आकाश के चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया फ्रेंड्स, वो था उनका ब्रांड नेम। जो उनका फर्स्ट चैनल था वो था एके आकाश के नाम से, जब उनका वो चैनल डिलीट हुआ तो लोगों ने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया एके आकाश, क्योंकि फ्रेंड्स उनका चैनल था वो पहले बहुत पॉपुलर हो चुका था, उस पर 4.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, तो फ्रेंड्स जिसके चलते लोग उनके नाम को सर्च करते थे। उसी तरीके से अगर आप भी एक अपना ब्रांड नेम बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी चैनल है, अगर आपका एक बार चैनल ग्रो हो जाता है तो आप उससे मिलते जुलते कई चैनल बना सकते हैं जिससे आपके बाकी चैनल को भी बूस्ट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब उनका पहला चैनल डिलीट हुआ लोगों ने यूट्यूब पर सर्च किया एक आकाश, तो जो उनका ये सेकंड चैनल था वो बार बार उस पर रेकमेंड करता था यूट्यूब की, हाँ भी ये भी चैनल है उनका, आप उसको एक बार देखिए, तो उनकी जो उस वो चैनल की ऑडियंस थी वो धीरे धीरे इस चैनल पर आने शुरू हुई। तो फ्रेंड्स उनको अपने ब्रांड नेम से बहुत ज़्यादा फायदा मिला, उनकी काफ़ी सारी ऑडियंस उनके उस चैनल से इस चैनल पर है, तो फ्रेंड्स ब्रांड नेम का भी बहुत ज़्यादा फायदा उनको मिला है। तो ये उनके ग्रोथ होने का चौथा फैक्टर था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पांचवा फैक्टर, जिन्होंने उनके चैनल को बूस्ट करके बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा दिया। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं पांचवे फैक्टर के बारे में, पांचवी स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स जो पांचवी स्ट्रेटजी एके आकाश ने अपनाई थी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि फ्रेंड्स आप वीडियो कितनी भी अच्छी बना लें, आप कितना भी अच्छा थंबनेल लगा लें, आप कितने भी लोग आपकी वीडियो पर रुक जाएं, लेकिन अगर आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स बिल्कुल ढंग के नहीं लगे हैं तो YouTube आपकी वीडियोस को रेकमेंड करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। तो फ्रेंड्स उनकी वीडियोस को आगे पहुंचाने में, उनके चैनल को ग्रो करने में SEO का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है उनके चैनल पर जाकर उनके टाइटल को, उनके डिस्क्रिप्शन को, उनके टैग्स को, वो कौन से टैग्स लगाते हैं, कौन से हैशटैग लगाते हैं, फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो को बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस में SEO कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप SEO बेस्ट तरीके से करते हैं तो YouTube आपके चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने चैनल का SEO कैसे करें तो करिएगा कमेंट इस वीडियो के नीचे, आपको बताऊंगा मैं कि SEO कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पांच फैक्टर्स थे जिन्होंने एके आकाश को बहुत ज़्यादा आगे बूस्ट करने में मदद की। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इन पांचों चीज़ों को करते हैं तो आपको भी चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।